सो हे गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड इट्स डे 4। तो ट्रांसफॉर्मेशन का आज 4th डे चल रहा है हमारा। आज वर्कआउट करने वाले हम बैक का। सो आज से जो वर्कआउट जो भी हम करने वाले हैं, मैं आपको धीरे धीरे करके सब एक्सप्लेन करूँगा कि कौन से मूवमेंट्स करने हैं आपको, मोबिलिटी ड्रिल्स क्या करनी है, अगर आप लिफ्टिंग कर रहे हो तो डेड लिफ्ट को किस तरीके से परफॉर्म करना है, या कंपाउंड लिफ्ट को कैसे परफॉर्म करना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट इट। सो सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या होता है कि हमें अपनी मोबिलिटी ड्रिल्स करनी है, जो बेसिक स्ट्रेचिंग्स होती हैं वर्कआउट से पहले, तो उसको परफॉर्म करेंगे। बहुत बेसिक वाले करने हैं, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको अपने जॉइंट्स को ओपन अप कैसे करना है। सो आई विल स्टार्ट विद द स्क्वाट पोजीशन। आपको एक डीप स्क्वाट पोजीशन पे जाना है, जिस स्क्वाट पोजीशन पे आप एक्चुअली जा सकते हो। जाने के बाद पाम्स को अपना क्लोज लेके आना है बिल्कुल चेस्ट के पास, एंड इसी पोजीशन को होल्ड करना है सो दैट आपके जितने भी जॉइंट्स हैं वो ओपन अप हो जाए, राइट। सो ब्रीद इन करना है, आइज क्लोज एंड सो विद इन 10 सेकेंड यू विल रियलाइज कि आपकी जो डेप्थ है वो एक्चुअल में फिर से और ज़्यादा क्लियर आउट हो रही है। ओके, ये जैसे ही मूवमेंट हो जाता है, फिर उसके बाद आपको वन बाय वन साइड पे पुश करना विद योर एल्बोज, लाइक ऑन राइट साइड स्ट्रेच अराउंड, ऑन द लेफ्ट वन देन स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच। सो जो आपका इनर एरिया होगा वो स्ट्रेच आउट होगा इससे। आपकी जैसे ही ये मूवमेंट हो जाती है, देन हम वर्क करेंगे आपके एंकल जॉइंट्स पे। सो उस पर हम क्या करेंगे, आपके नीज पे प्रेशर डालना है, वन परफेक्ट एंड द टू। इसी मूवमेंट्स को आपको होल्ड करना है स्टार्टिंग में, लाइक वन टू देन वन देन टू वन एंड टू। अब जैसे ही आपकी मूवमेंट हो जाती है तो आपको अपने टोस को होल्ड करना लाइक दिस वे, आर्च करना बैक को, एंड यू जस्ट नीड टू गो ऑल द वे अप ऑफ वेट देन अगेन डाउन। बट इस मूवमेंट में आपको ध्यान रखना है कि जो आपका बैक है वो राउंड ना हो, इट हैज टू बी स्ट्रेट, लाइक स्ट्रेच 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 देन अगेन स्ट्रेच स्ट्रेच एंड लॉक। इसमें अगर हम बैक को बिल्कुल राउंड रखते हैं तो आपका जो स्ट्रेच है वो बैक पे आना स्टार्ट हो जाएगा, बट हमें अभी हैमस्ट्रिंग एंड काफ्स को स्ट्रेच करना है, सो आपको बैक में आर्च रखना है एंड देन अगेन डाउन जाना है। जैसे ये मूवमेंट हो जाता है देन विल स्टॉप इट। सो अब नेक्स्ट स्ट्रेच करते हैं। इस स्ट्रेच में क्या करना है, आपको पुशअप पोजीशन पे आ जाना है लाइक दिस वे, यू नीड टू स्ट्रेच योर ग्लूट्स, स्टेप फॉरवर्ड आर्च योर बैक एंड लुक ऑल द वे अप। आपको फील होगा जो आपका स्ट्रेच आ रहा है यहाँ पे एंड आपके लोअर बैक पे आ रहा है, ठीक है। अब जैसे इसको स्ट्रेच परफॉर्म किया उसके बाद इस आर्म को अप करना है, राउंड करना है बैक को एंड देन आर्च करना है, देन अगेन राउंड एंड आर्च राउंड देन आर्च। 5 kg का वेट लेंगे हम, उसके साथ स्क्वाट पोजीशन करना है हमें और इसी पोजीशन को होल्ड करना है, स्लाइटली 30 डिग्री अप आना है, होल्ड दिस सेकंड फॉर 3 सेकंड, 1 2 3 then all the way down and up. Yeh squats 10 time. Again down. 1, 2, 3. Then up.